कलरीपयट्टू यस फाइनली गॉट इट राइट कलरीपयट्टू। आप लोग भी ट्राई करो। वैसे आपको बता दूं कि इस टंग ट्विस्टर के पीछे मार्शल आर्ट्स की बहुत ही पुरानी लंबी और एक्साइटिंग कहानी है। युद्ध के मैदान में शुरू हुआ ये खेल इंडियन हिस्ट्री खासकर केरला के हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि चाइना के कुंफू मार्शल आर्ट्स के पीछे भी कलरीपयट्टू की ही इंस्पिरेशन है। एंड सो फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत के इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम के तहत आई एम बैक विद येट अनदर स्पोर्ट एंड इट्स इंटरेस्टिंग टिडबिट्स एंड फैक्ट्स। मैं हूं मनीष बठाविया और आज हमारा इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया है कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू वर्ल्ड के सबसे एंशियंट मार्शल आर्ट्स में से एक है। ये खेल इंडिया के हिस्टोरिक कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। कलरीपयट्टू भारतीय मार्शल आर्ट्स की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। अब आप इसके मीनिंग के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? मैं हूं ना, बता देता हूं। कलरी का अर्थ है ट्रेनिंग फील्ड और पयट्टू का अर्थ है प्रैक्टिस विद और विदाउट वेपन्स, यानी हथियारों के साथ या बिना हथियारों के अभ्यास। अब जरा सोचो, कलरीपयट्टू है कि नहीं सभी मार्शल आर्ट्स पर भारी? कई लोग तो कलरीपयट्टू को मदर ऑफ ऑल अदर एशियन मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं। हाउ फैसिनेटिंग इजन्ट इट। ये खेल केरला के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट से शुरू हुआ और फिर कर्नाटका और तमिलनाडु के कई इलाकों में काफी फेमस हो गया। केरला की बात करें तो आखिर इसे ऐसे ही गॉड्स ओन कंट्री नहीं कहा जाता। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ का रिच कल्चर, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, लैंग्वेज वेरिएशंस, ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस रिलीजन्स, यहाँ का डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सब कुछ ही खास है, अलग है। केरला में एंशियंट टाइम से ही अलग अलग टाइप्स के आर्ट्स या स्पोर्ट्स को काफी सपोर्ट किया गया है और यहाँ की हिस्ट्री इस बात को टेस्टिफाई भी करती है। वेल, जब बात हिस्ट्री की हो रही है तो आइए जानते हैं कलरीपयट्टू की हिस्ट्री के बारे में। हर खेल का अपना अपना इतिहास, अपना ओरिजिन होता है और अन्य खेलों और कलाओं की तरह ही कलरीपयट्टू का भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग इतिहास है और आप सोच भी नहीं पाओगे ये खेल कितना पुराना है। कलरीपयट्टू का रूट्स इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड है। आज से लगभग 17,000 साल पहले अगस्त मुनि को फादर ऑफ द एंशिएंट वॉरफेयर माना जाता था। इसी युद्ध कला से आगे चलकर कलरीपयट्टू का जन्म हुआ। साउथ के संगम लिटरेचर के अनुसार कलरीपयट्टू को एक मार्शल आर्ट्स के रूप में 300 BC और 300 AD के बीच में केरला में प्रैक्टिस किया जाता था। हालांकि कलरीपयट्टू को ऑफिशियल रिकॉग्निशन 1362 AD में ही मिला। कलरीपयट्टू के नॉर्दर्न स्टाइल को मानने वाले लोग, महर्षि परशुराम जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, कलरीपयट्टू का पहला गुरु या प्रैक्टिशनर मानते हैं। जिस स्थान पर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। ये एक मलयालम भाषा का शब्द है। हालांकि कलारी का लिटरल मीनिंग होता है थ्रैशिंग द फ्लोर या युद्ध का मैदान। आज के समय में केरला में कई कलारियां हैं। हर एक कस्बे में दर्जनों ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर में भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। वैसे कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग अब दुनिया के दूसरे देशों में भी होने लगी है। अगर हम टेक्निक की बात करें तो जंपिंग, रनिंग, सोमरसॉल्ट, पूजा, ध्यान, ये सभी चीजें कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। But what about the tools? भाई बहुत सारे खास टूल्स की जरूरत पड़ती है। मैं बताता हूँ। I will tell you more about. अब इक्विपमेंट या टूल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि कलरीपयट्टू में स्वॉर्ड यानी तलवार सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा लॉन्ग स्टिक, शॉर्ट स्टिक, स्पेयर, कुकरी, क्लब, शॉर्ट स्वॉर्ड, डियर हॉर्न डैगर, डैगर, कर्व स्टिक और फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड जैसे वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन टूल्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग सेंटर्स में अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। हालांकि डैगर, कर्व स्टिक और फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड इस खेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली टूल्स हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और इसी तरह से कलरीपयट्टू में भी सक्सेस के लिए जरूरी होती है
dedicated practice or training. कलरीपयट्टु की ट्रेनिंग में अभी भी इंडियन कल्चर की पुरानी गुरु शिष्य परंपरा देखी जा सकती है। इस खेल की ट्रेनिंग का मेन एम होता है किसी इंसान की बॉडी और माइंड के बीच अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना। पूजा, ध्यान, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निक, बॉडी कंडीशनिंग, फुट मूवमेंट, पोस्चर्स, ये सब कलरीपयट्टु की ट्रेनिंग के मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। इन बेसिक एक्सरसाइजेस में महारत हासिल करने के बाद कलरीपयट्टु की ट्रेनिंग की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयार किया हुआ सिलेबस एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और फोकस्ड माइंड डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। कलरीपयट्टु का ये ट्रेनिंग कोर्स आमतौर पर 5 लेवल पे होता है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, सीनियर और फिर इंस्ट्रक्टर लेवल। कलरीपयट्टु के बेसिक लेवल में स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी होती है, जिसे नॉर्मली 3 महीने में पूरा किया जा सकता है। बेसिक लेवल के बाद इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के लिए 6 और महीनों की डेली ट्रेनिंग होती है। कलरीपयट्टु की ट्रेनिंग में हर लेवल पर 3D यानी डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन की बहुत जरूरत होती है। ट्रेडिशनली कलरीपयट्टु के 2 स्टाइल्स हैं, नॉर्दर्न स्टाइल यानी कि वड़क्कन कलरी और सदर्न स्टाइल यानी कि ठेक्कन कलरी। नॉर्दर्न कलरीपयट्टु या फिर वड़क्कन कलरी में एलिगेंट और फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स, इवेजन्स, जंप्स और वेपन्स ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि सदर्न कलरीपयट्टु यानी ठेक्कन कलरी के स्टाइल में हार्ड इम्पैक्ट बेस्ड टेक्निक्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और प्रेशर पॉइंट स्ट्राइक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कलरीपयट्टु की ट्रेनिंग में बेसिक स्टेप से फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड चलाने तक मेनली 18 टेक्निक्स हैं, जो 8 इंपॉर्टेंट पोस्चर्स यानी अष्टवडिबुकल का इस्तेमाल करके सिखाई जाती है। कलरीपयट्टु दुनिया का एक लौता ऐसा मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका उपयोग ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए भी किया जाता है। इस ट्रीटमेंट को कलरी मर्म कहते हैं और इसमें हर्बल ऑयल्स का यूज भी किया जाता है और इसके जरिए स्प्रेन, डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स, मसल पुल जैसी परेशानियों की ट्रीटमेंट कम समय के साथ साथ बहुत कम खर्चे में की जाती है। कलरीपयट्टु ट्रीटमेंट का इस्तेमाल स्पोर्ट्स इंजरीज को क्योर करने में भी किया जाता है। अगर आप कलरी प्रैक्टिशनर बनने की चाहत रखते हैं तो मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कलरीपयट्टु के डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर को डिफाइन करती हैं। डिसिप्लिन, गुरु की रिस्पेक्ट, रेगुलर ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग बॉडी, पेशेंस, ह्यूमिलिटी और साहस। इन सभी गुणों को सीखने के साथ साथ आपको शांत स्वभाव रखने की प्रैक्टिस भी करनी होगी। एक इंडिविजुअल के रूप में उभरने के लिए ये सभी क्वालिटीज आपको काफी हेल्प करेगी। बेसिकली माय फ्रेंड्स, यू गॉट टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू एवरी सिंगल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग सेशंस टू अचीव द टैग ऑफ अ ग्रेट कलरी प्रैक्टिशनर। कलरीपयट्टु की इंपॉर्टेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि इस एक मार्शल आर्ट्स ने अलग अलग तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स को काफी इन्फ्लुएंस किया, फिर चाहे वो डांस हो या मूवीज। कलरीपयट्टु का इन्फ्लुएंस केरला के पॉपुलर ट्रेडिशनल डांस थेयम और कथकली पर रहा है। ये दोनों ही डांस फॉर्म्स एक जमाने में केरला के नायर और ईड़वा और कई और कम्युनिटीज के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते थे। These communities, in fact, comprised of the original Kalari fighters. आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कई लोगों का ऐसा सोचना है कि कुंफू जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म ने भी कलरीपयट्टु से ही जन्म लिया है। And here is a hashtag fun fact. This Indian martial art traveled to China in the 6th century AD with Daruma Bodhi Dharma, an Indian Buddhist monk and a Kalaripayattu master from erstwhile southern Kerala, which is now in the Tanjore district of Tamil Nadu. Now let me tell you about a few popular movies in which our very own Kalaripayattu art form has been used. Shah Rukh Khan and Kareena Kapoor Khan star a film Ashoka, ya Commando, Indian, Baghi, Arjun and The Last Legion kuch aisi filmein hain jinmein Kalaripayattu se inspired fight sequences ko include kiya gaya hai.
तो अब आप देख चुके हैं कलरीपयट 2 के प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न डे फिल्मों तक का सफर, एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग इस स्पोर्ट को पसंद करेंगे, इसे खेलना चाहेंगे। बट एज दे से वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, हम सबको ऑप्शंस बहुत ज्यादा पसंद है, नहीं कि भैया और दिखाओ, और क्या है, कुछ और दिखाओ। एंड सो योर विश इज माई कमांड, आई विल बी बैक वेरी सून विद द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ अनदर इंडिजिनस स्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी।